हमारा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हम ऐसे सिस्टम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली यानी कि डेट वाइज सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में जो है एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेगुलरली अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस जो है रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंटिंग की, और बुक कीपिंग जो फंक्शन है ये मैकेनिकल और रिपीटेटिव नेचर का होता है जिसको कि कोई भी पर्सन जिसको लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है आसानी से कर सकता है। डेफिनेशन है बुक ऑफ अकाउंटिंग की, जैसे J.R. बटली बॉय के अकॉर्डिंग बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जो भी बिजनेस की डीलिंग्स हुई है उनको एक सेट ऑफ बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे जर्नल या सब्सिडरी बुक्स होती है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो ऊपर जो इतनी सारी डेफिनेशन है उनमें से कोई दो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, और इन डेफिनेशंस को स्टडी करने के बाद हमें जो बुक कीपिंग के फीचर्स के बारे में पता चलता है वो इस तरीके से हैं। बुक कीपिंग जो है वो आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन का काम जो है आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सर्टेन रूल के हिसाब से, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है ओरिजिनल एंट्री जो है उनकी हम करते हैं जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक में, और ये जो एंट्रीज होंगी वो क्रोनोलॉजिकली और सिस्टमेटिक मैनर में होती है यानी कि डेट वाइज। अब कुल मिला के ये वो आर्ट और साइंस है जिसमें कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डेट वाइज। बुक कीपिंग एज अ प्रोसेस, अगर हम इन डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े तो एज अ प्रोसेस भी हम जो है बुक कीपिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बुक कीपिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कौन सी फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले गए या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया या गुड्स खरीदा है या सेल्स की है, तो उनमें आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है। फिर उन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी जो है हम मेज़र करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर पोस्टिंग की जाती है लेजर में, बैलेंसिंग की जाती है लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स खोल के, उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो बुक कीपिंग में यहाँ तक का काम जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो जो पहला डिफरेंस इनके बीच में है वो है एज स्टेजेस के बेस पे, जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग का काम वहीं शुरू हो जाता है जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में घटती है, जबकि जो अकाउंटिंग है ये सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, और ये इसका काम जो है शुरू होता है जब बुक कीपिंग का काम समाप्त हो जाता है। स्किल एंड नॉलेज, तो बुक कीपिंग का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको कि अकाउंटिंग की ठीक ठाक नॉलेज है, इसीलिए इसको हम क्लरिकल काम भी कह देते हैं। ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जबकि जो अकाउंटिंग है उसको वही व्यक्ति कर पाएगा जो इसको स्पेसिफिक नॉलेज है अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स की सभी की, और इसीलिए ये सीनियर स्टाफ यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। नेचर ऑफ जॉब, तो बुक कीपिंग जो है ये क्लरिकल और रूटीन टाइप का है इन नेचर, जबकि जो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ये एनालिटिकल नेचर का है कि जो हमें बुक कीपिंग से इंफॉर्मेशन मिली है उनको हम बिजनेस के बारे में रिजल्ट निकालने के लिए कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं। पर्पस, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बुक कीपिंग में आता है, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस की देखना चाहते हैं वो काम जो है अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। टाइम्स ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर बुक कीपिंग में तभी के तभी रिकॉर्ड कर दी जाती है जैसे ही ट्रांजैक्शन बिजनेस की कोई होती है। अकाउंटिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग का काम जो है समाप्त होता है, जैसे कि फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट जो है बुक कीपिंग में शामिल नहीं किए जाते, जबकि अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना भी शामिल रहता है। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बुक कीपिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो शो नहीं करती है, अकाउंटिंग शो करती है क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट है बिजनेस के। इंटरेस्ट, आउटसाइडर जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बुक कीपिंग में क्या रिकॉर्ड किया, क्या ट्रांजैक्शन थी किसी भी तरीके का, जबकि जो आउटसाइडर जो वेरियस पार्टीज़ है जैसे कि जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है इन्वेस्टर या क्रेडिटर्स, उनका जो है अकाउंटिंग में बिजनेस के रहता है। इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अकाउंटिंग वर्क के लिए, जबकि एक अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपर के वर्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है होता है, क्योंकि उसको जो है एनालाइज करना होता है कि जो काम उसको करके दिया गया है बुक कीपिंग का वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि बुक कीपिंग का काम जो है अकाउंटेंट की सुपरविज़न में ही किया जाता है। फेज, तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है ये फर्स्ट पेज एक अकाउंटिंग का हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट है, जबकि जो
अकाउंटिंग है वो समराइजिंग फेज होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, यानी कि बुक कीपिंग में हमने रिकॉर्डिंग की और उसमें हमने समरी जो है तैयार की। बेसिस, तो ये बेस होता है अकाउंटिंग जो है पे, और ये जो है ये इट इज़ अ बेस फॉर बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग को हम बिजनेस लैंग्वेज मान के चलते हैं। बुक कीपर और अकाउंटेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग आर कॉल्ड बुक कीपर, वो बुक कीपर जो है कहे जाते हैं, जबकि पर्सन जो कि अकाउंटिंग का काम करते हैं अकाउंटेंट कहे जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में या कंडीशन के बारे में बुक कीपिंग से हमें नहीं पता चलता है, जबकि अकाउंटिंग से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चलता है। ब्रांच, तो बुक कीपिंग की कोई ब्रांचेस नहीं है, जबकि अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस भी है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा डिफरेंस, उसके हिसाब से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो है वो डिफरेंस है, और बट जो बुक कीपिंग है वो पार्ट होता है अकाउंटिंग का। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है या क्लासिफाई की जाती है बुक कीपिंग पे, उन्हीं के बेसिस पे फिर हम अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग भी हम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं बुक कीपिंग भी। जैसे कि अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, वेयर एज अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है, तो ठीक है, बुक कीपिंग में कहाँ तक का काम किया, ट्रायल बैलेंस, और उसके आगे का काम हमने अकाउंटिंग में किया। अब है मेन कि अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी जो है का मतलब हम उस सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग से ही लेते हैं, जो कि कॉमन प्रिंसिपल और टेक्निक जो है जिसमें यूज़ की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेटर वे में। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं जो अकाउंटिंग है वो पार्ट है अकाउंटेंसी का, और हम कुल मिला के ये कहेंगे कि बुक कीपिंग जो है वो तो पार्ट है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी का पार्ट है। यानी कि अकाउंटेंसी जो है वो इसमें वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकाउंटेंसी में भी हम ये कह सकते हैं कि वो रूल रेगुलेशन जो कि अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं, या अकाउंटिंग का काम आपने कैसे करना है, वो सब जो है वो अकाउंटेंसी का पार्ट है। हमें अकाउंटेंसी से पता चलता है कि अकाउंटिंग के काम को हम कौन से रूल रेगुलेशन अपना करके ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेज और स्कोप्स और टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या ब्रांचेज या स्कोप या टाइप या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा बिजनेस है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस को प्रोवाइड करनी होती है, जो वेरियस रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टी होती है जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, और इन इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो डेवलप हुई है अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें किस प्रकार से है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो ये हमने इतने सारे अकाउंटिंग की ब्रांचेस हम देख रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग है ये इनका अपना एक एरिया है। इनमें से जो पॉपुलर है वो इस तरीके से है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहता है ये रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है या फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो क्या है। इसमें जनरली रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समरी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तैयार की जाती है, ताकि उनके हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार किए जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस की बैलेंस शीट जो है वो हम तैयार कर पाए, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है बिजनेस की ओवरऑल क्या पोजीशन है या बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, जिसमें इंटरेस्टेड रहते हैं हर कोई, चाहे वो बिजनेस का मालिक है या शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉई है या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है डील करती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कि किस तरीके से कॉस्ट को हम एनालाइज करें। कॉस्ट अकाउंटिंग उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये है कि टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट के साथ कॉस्ट पर यूनिट जो है गुड्स एंड सर्विसेज की निकाली जाए। जो भी बिजनेस अगर गुड्स में डील करते हैं तो वो ये देखना जाएगा कि उन गुड्स की टोटल कॉस्ट क्या है और एक प्रोडक्ट की या कॉस्ट पर यूनिट क्या है। इसी तरीके से सर्विस वाला की टोटल सर्विस की कॉस्ट क्या है या सर्विस पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ताकि जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर या खर्चों के ऊपर जो है कंट्रोल कर पाए। क्योंकि देखिए कॉस्ट अगर हमारे सामने होती है तो उसमें हम एक मार्जिन यानी कि प्रॉफिट ऐड करके प्राइस जो है इजिली डिसाइड कर सकते हैं
इसी वजह से जो मटेरियल कंज्यूम्ड है या जो वेजेस फॉर प्रोडक्शन, जो भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए वेजेस या लेबर आप यूज़ कर रहे हैं, उसको रेगुलरली जो है सुपरवाइज किया जाता है या रेगुलरली उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि टोटल कॉस्ट और पर कॉस्ट यूनिट जो है उसको एक्यूरेसी के साथ मेज़र किया जा सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डील करती है जो कि मैनेजर के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए या बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो है ज़रूरी होती है। मेन पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सारी की सारी वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना जो कि मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हो। और यहाँ पर जो बहुत सारी टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती है इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उन टेक्निक्स में हम बजटरी कंट्रोल, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटी। तो अकाउंटिंग की वो ब्रांच जो कि हेल्पफुल होती है डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस हैं उनको असर्टेन करने में, कि कितने जो है बिजनेस को टैक्स पे करने पड़ेंगे, या टैक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो अकाउंटिंग ब्रांच हेल्प करती है उसको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। टैक्स अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस की कैलकुलेशन में भी, जैसे कि इनकम टैक्स क्या होगा, सेल्स टैक्स क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी क्या होगी, और इन टैक्स की कैलकुलेशन जो है जो टैक्स अकाउंटिंग है उसके डिफरेंट प्रोविजंस और सब प्रोविजंस को जो है यूज़ करके किया जाता है, जो भी उसके रूल रेगुलेशन है, इट मीन्स कि उसको ध्यान में रख करके टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये अभी नई है, इसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है कि जो भी खर्चे होते हैं एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट पे हुए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हुए, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं, यानी कि उसको उस बैलेंस शीट में हम जो है बिजनेस की शो नहीं करते, उसको हम P&L अकाउंट में दिखा देते हैं कि ये ट्रेनिंग के खर्चे हैं, ये रिक्रूटमेंट के खर्चे हैं। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन खर्चों को जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे थे रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर में जो हमने दिखा दिया एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पर ह्यूमन बींग काम करने के लिए आते हैं वो सिर्फ उनका बेनिफिट आपको एक साल में नहीं मिलता बल्कि कई सालों तक मिलता रहता है। मान लीजिए आपने किसी मैनेजर को अपने बिजनेस में अपॉइंट किया, वो मैनेजर जो है बहुत एफिशिएंट है, और वो आपके बिजनेस में अगर पूरा लाइफ अपना यानी कि 60 ईयर तक अगर वो रहता है, जिसको हम रिटायरमेंट एज भी कहते हैं, तो उसको जो उस पर आपने ट्रेनिंग पे खर्चा किया या उसकी सिलेक्शन पे जो भी प्रोसेस में जो खर्चा हुआ, तो उसका हमने दिखा दिया उसी साल जिस साल उसकी एंट्री हुई है बिजनेस में, जबकि उस व्यक्ति से हमें बेनिफिट मिला है 60 ईयर्स तक। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं बिजनेस की सक्सेस में, और उनको भी जो है बिजनेस की बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए सिस्टमेटिकली तरीके से, बट ये अभी लेटर डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी इसको दिखाते हम नहीं हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज यूज़ करती है। इसमें जनरली बजटिंग और दूसरे टाइप्स की अकाउंटिंग जैसे कि रिजर्व फंड या कंटिजेंसी फंड जो है इनकी डीलिंग की जाती है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जो कि ये आइडेंटिफाई, मेजरिंग या कम्युनिकेट करती है कि बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो बिजनेस की लाइफ होती है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बिजनेस को सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की लगा लीजिए या कोई भी बिजनेस को अगर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस को सोसाइटी से मिलती है, इसीलिए बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सोसाइटी के प्रति, जैसे कि वो गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करे, वो लोगों को रोजगार प्रदान करे, उसके जो गुड्स है उससे कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड रहने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस और सोसाइटी के बीच में एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, और जो बिजनेस है उसको अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। और आजकल बहुत इंपॉर्टेंस जो है किसी भी बिजनेस ने क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया इसके ऊपर जो है जाने लगा है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए कि क्या उस बिजनेस ने हेल्प जो है की है उस सोसाइटी के लिए जहाँ पर उस बिजनेस को जो है लगाया गया है। तो ये आज आपने ब्रांचेस और स्कोप पढ़ा, इसको आपने ध्यान से जो है करना है। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।